हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज भी मैं अगेन अपनी ताई जी के घर आई हूँ और यहाँ पर है मेरी भाभी का, कज़न भाभी का छठी पूजन, मीन्स कुआ पूजन। उनका बेबी हुआ है तो उनका पूजन है आज, जिसे राजस्थान में बोला जाता है नावण, तो बस वही अभी होगा। और सारे गेस्ट आए हुए हैं, मैं थोड़ा आज लेट हो गई क्योंकि आज मैंने साड़ी पहना है, कोई इंडिया आके मैंने साड़ी ही वेयर किया है और एथनिक वेयर, तो बस उसी में थोड़ा टाइम लग गया। और तो बस गाइस, ये है मेरा मेकअप, तो बस हल्का सा ही किया, ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है। कृषिप के बर्थडे के बाद से तो हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि उससे पहले मैं राजस्थान भी गई थी। तो बस चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और जल्दी से एंजॉय करते हैं पार्टी। गाइस, यहाँ पर हो रहा है भाभी का नावण, जिसमें सूरज भगवान की पूजा की जा रही है। और यहाँ पर मैंने न्यू बॉर्न बेबी का फेस हाइड कर दिया है क्योंकि ज़्यादा दिखाना सही नहीं रहता, बट थोड़ी बहुत झलक आपको दिख जाएगी न्यू बॉर्न बेबी की। और यहाँ पे मेरी दीदी, मम्मा, भाभी सब बता रहे हैं कैसे करना है। तो यहाँ भाभी पूजा करने के बाद बेबी को साथ लेकर दो बार परिक्रमा कर रही है। हे राम, कितना तैयार हो गया? बस बस, आपको तो 11 बजे तैयार होकर जाना था, 12 बजे चला आगे चलो। मम्मी क्या कर रहे हो? मैं सूरज भगवान की पूजा करने के बाद अब सब नीचे आए हैं टेंट में और ये डेकोरेशन की हुई है। तो यहाँ पर सब बुला रहे हैं डांस करने के लिए और दीदी मुझे धक्का दे दिया कि डांस करो। तो टेंट के बाहर ही यहाँ पर भैरव पूजन किया जा रहा है, भैरव बाबा की पूजा की जाती है बच्चे को साथ लेके। तो यहाँ पर भी मैंने छोटू बेबी का फेस हाइड कर दिया और ये मेरी भाभी, कज़न, दीदी और मेरी बुआ जी सब खड़े हैं। ये मेरी मदर इन लॉ हैं और कृषि उनके हाथ में हैं। तो और ये मेरी कज़न भाभी है मेरी मदर इन लॉ के साथ, तो मुझे देख रहे हैं। तो मैं उनको बोलने लगी थी कि डांस करके फ़ोटो क्लिक कराओ। यहाँ पर भैरव बाबा को विराजमान किया गया है, तो ईंट से, ईंट पर पहले पानी से साफ किया जाता है, उसके बाद आप रात में देख सकते हैं मोंग, चीनी और नारियल तेल, सिंदूर सब चढ़ाएंगी भाभी अपने हाथों से। इसमें बेबी को आशीर्वाद देते हैं भैरव बाबा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पीछे बैकग्राउंड में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इसलिए मैं उस टाइम बोल नहीं पा रही थी क्योंकि आपको ढोल की आवाज़ से मेरी वॉइस नहीं सुनाई देती, इसलिए मैं इसमें वॉइस ओवर बीच बीच में दे रही हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि हमारे राजस्थानी कल्चर में कैसे
बेबी होने के बाद ये नावन पूजा और जलवा पूजन और भैरव पूजन किया जाता है, जिसमें सब देवी देवता आशीर्वाद देते हैं माँ और बच्चे को ताकि वो स्वस्थ रहे और उन्हें बच्चा जो है जिद्दी ना बने, हट ना करे, मतलब नौटीपन कम रहे, बस इसलिए ये सब पूजा की जाती है। और ये यहाँ पे मेरी बड़ी दीदी हाय कर रही है कि क्या व्लॉग बना रही हो तुम, तो मैंने कहा हाँ दी, तो इसलिए वो सबको हाय कर रही हैं और ये सब भाभी और मासिया। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसे कहते हैं जलवा पूजन। तो हम सब पार्क में आ गए हैं, तो आपने देखा था पहले क्लिप में कि भाभी अपने सर पर कलश लेके आ रही थी जिसमें नीम होता है और ये थाली होती है जिसमें चावल और चावल के साथ सिंदूर काजल होता है। तो जहाँ पार्क में पानी आता है वहीं पर ही ये पूजा की जाती है। तो ये भाभी ने साखियाँ बना रहे हैं, पहले मिट्टी का लेप बना के उस पर साखियाँ बनाते हैं, फिर सिंदूर से 7 टिक्की लगाई जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उनके हाँ फिंगर में 7 टिक्की काजल की वो लगा रही हैं पूजा के लिए। और अब ये थाली उन्होंने उठाई है जिसमें चना है और दाल है, तो उसको बॉईल करके यहाँ पे पूजा की जा रही है। तो ये प्रसाद का भोग लगाया जाता है जलव देवता को, तो इसलिए ये पूजा भी बच्चे के लिए की जाती है ताकि वो जल की तरह शांत और शीतल रहे। और यहाँ पर भाभी अब ये कलश से उठा के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने भी आरएफ के टाइम किया था तो अभी याद नहीं है, तो इसलिए इसी में से मुझे भी याद आया। और ये सब मेरी भाभी कज़न है, तो इसमें सिर्फ लेडीज़ का ही काम होता है, जेंट्स का नहीं होता है, तो सब इंजॉय कर रहे हैं खूब। यहाँ पर डांस कर रहे हैं। तो 3 तरीके की पूजा की गई थी, सूरज पूजा, भैरव पूजन और जलवा पूजन। अब सब डांस करके खाना खा के घर चले जाएंगे और हम ताई जी के घर रुक के बात। तो गाइस नावन जो है वो ख़त्म हो गया है और मैंने भी अपने इयररिंग्स और नेकलेस उतार दिया है क्योंकि बहुत कानों में पेन होने लग गया था और ऑलमोस्ट का सारे मेहमान भी जा चुके हैं। तो ये देख सकते हैं घर पूरा मैसी हो गया है ताई जी का। तो बस ये था एक राजस्थानी छठ पूजन, सॉरी राजस्थानी कैसे नावन होता है वो मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया। आई होप आप सबको पसंद आए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय।